हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल MZS वुड वर्क। आज हम आपको बताने वाले हैं जो एक रूम का टांड होता है तो फ्रेमिंग करके पल्ले लगाए कैसे जाते हैं। तो इसका हमारा जो साइज होने वाला, जो ये इस तरह से आपकी लंबाई है, ये तो ये 10 फीट पौने 8 इंच है। तो इसकी जो चौड़ाई होने वाली है आपकी, ऐसे करके जो आपकी चौड़ाई है, ये इसकी जो चौड़ाई है 27 इंची है सपीटा। तो अब हम इसकी फ्रेमिंग करते हैं। तो जो उसकी हम फ्रेमिंग करने वाले हैं, जो हमारी लकड़ी लगने वाली है इसमें, ये 3 सवा का साइज है आपका। तो ये प्रॉपर 3 सवा का साइज है जो हम वहाँ पे लगाने वाले हैं 10 फीट में। तो अगर आपको जैसे ये लकड़ी आपकी कम है तो इसमें आप जोड़ कैसे लगाया जाता है, तो ये लकड़ी को लंबा करने के लिए अगर आपको जोड़ लगाना है तो करीब ये 6 इंची आपको इसमें सेंटर करके कट मार देना है। फिर उसके बाद इसमें ज्वाइंट में फेविकोल लगा के कील अच्छे से मार लेनी है। तो हमारी लकड़ी प्रॉपर 10 फीट की हो जाएगी अगर इसका साइज कम है तो। इस वीडियो में बने रहे। फिर देखिए हमारा परफेक्ट जोड़ बिल्कुल ऐसे मिल जाता है, जोड़ हमारा काफी सक्सेसफुल रहता है। ऊपर और नीचे आपको दोनों जगह इसे पहले चेक कर लेना है ठोकने से पहले कि आपका लूज है या नहीं है। ये लूज होना बहुत जरूरी है, करीब आधा इंच तो लूज रखना ही है। टक्कर से लेके उस वाली टक्कर पर निशान लगा लेने हैं। बाहर से बाहर टक्कर होने वाली है। तो ये सभी लकड़ियों की आपको एक ही साइज में कटिंग कर लेनी है। तो आपको दोनों लकड़ियों को सीधा रख लेना है इस तरह से, उसके बाद गुनिये से निशान लगा लेना है इसको मिला के। तो इसी तरह से यहाँ भी निशान लगा लेना है, तो इससे हमारा काम प्रॉपर आएगा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये दो पेंच तो हमारे इसमें लग चुके थे और वहां पर भी आपके पेंच दोनों सामने वाली लकड़ी पे भी दो पेंच लग चुके थे। तो उसके बाद जो हमने इसमें अंदर से लगाया ये हमने एल पत्ती लगाई है। तो इसकी वीडियो हम बना नहीं पाए थे, मोबाइल रखने की अच्छे से जगह नहीं बन पा रही थी।
तो ये आपको एक एक पेंच से अपना एक गिट्टी इसमें फिशर मार के यहाँ पर आपको लिंटर में फिशर मार देना है। यहाँ पर अपना ये 1.5 इंची वाला हमने पेंच ऊपर कस दिया है और नीचे 1 इंची वाला कस दिया है। तो इसी के साथ साथ इसमें आपको जो इसमें हमारे पार्टीशन खड़े हैं ना, ये सेल्फ जो खड़े हैं, इसमें हर आपको सेल्फ में जो ये सेल्फ खड़े किए गए हैं इसमें आपको सब में ही एल पत्ती का यूज करना है। तो इससे हमारा जो है फ्रेमिंग कभी हिलेगा नहीं, ना ही कभी ये लकड़ी ऐंठेगी, तो ये अपनी जगह पर प्रॉपर सेटिंग में रहेगा। तो कुछ तो ये आपका इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप ये 10 फीट 10.5 फीट 11 फीट का अगर ये लंबा पार्टीशन बनाते हो तो इसमें आपको ये एल पत्ती का यूज जरूर करना है, जहाँ पर आपके ये सेल्फ आएंगे, जहाँ ये हमारे पक्के खड़े आएंगे, जहाँ हमारे पल्ले चलेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एल पत्ती का यूज प्रॉपर करना है आप। तो ये देखिए आप, ये जो अब हम कवर करने जा रहे हैं, ये जो हमारा बाहर से फ्रेम का कुछ ये पार्टीशन है, ये बाहर से आपका, तो ये बाहर से जो हमारा ये इसमें इस काम में फर्क था, क्योंकि अक्सर जो है लिंटर में ये ढाल होता है, तो उसके लिए ये हमने अपने एक साइज का बनाया था, तो इसमें हमारा इतना फर्क आया है। तो हमने यहाँ पर अपना लेवल कर लिया था और ये गुनिया कर लिया था प्रॉपर, ये अपनी जगह पर सेट रखा हुआ है। तो इसके नीचे कुछ झीली खुल चुकी है, ये आपकी, अब हम इसे कवर करने वाले हैं 2 सूत की प्लाई से। ये देखिए आप, तो देखिए आपको ये काफी सारा गैप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये काफी गैप दिखाई दे रहा होगा क्योंकि हमने अपने काम को लेवल में किया है और ये जो काम हुआ है चिनाई का ये लेवल में नहीं है। तो इसी के लिए अब हमने यहाँ पर ये इसे चीरा है, ये अब हमारी ये इसके ऊपर भी चढ़ जाएगी, ये लकड़ी के ऊपर भी चढ़ेगी और प्लस ये हमारी अब आधा ये 2 सूत दीवार पर रहेगी कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो ये इस तरीके से आपको कवर करना है अपना, अगर आप ऐसा कोई सिचुएशन में काम हो तो आपका, तो अब हम इसे कवर करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो ये लाल कलर का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में घंटी को दबा दें, जब भी हम कोई न्यू वीडियो डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन जाएगी सबसे पहले आपको। ये काम हमारा स्टार्ट है, मेहनत बराबर चल रही है। रिकॉर्ड लगा लेना है इसको बढ़िया करके, उसके बाद 20 नंबर की कील से या 1.25 इंची की सर वाली कील से इसको ठोक देना है। काढ़ी लगी